एवियन एजुकेशन हब जो अग्रवाल स्कूल का चैनल है उसमें आपका स्वागत अभिनंदन। और क्लास टेंथ SST में इतिहास का हिस्सा जो हमने शुरू किया, पिछले वीडियो जो आपने देखा उसमें हमने रजिया सुल्तान तक यानी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद किस प्रकार अपने नकारा पुत्र जो अयोग्य थे, ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में अपनी बेटी रजिया को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया। रजिया, बच्चों देखो, रजिया पहली महिला सुल्तान थी। और उसका शासनकाल था 1236 से लगभग 1240 तक, 4 वर्ष तक इसने शासन किया। इल्तुतमिश ने जो 40 व्यक्तियों का एक चालीसा बनाया था, एक मंत्रिमंडल बनाया था, उन लोगों ने रजिया का काफ़ी विरोध किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक महिला सुल्तान उन पर राज्य करे, उन पर शासन करे। तो रजिया का विरोध शुरू हो गया और रजिया ने अपने मित्र के साथ शादी करके उस विरोध को काफ़ी दबाया और दिल्ली सल्तनत की नींव को आगे बढ़ाया। आसपास के क्षेत्र, बिहार के कुछ हिस्से जो दिल्ली सल्तनत में नहीं थे उसको जीता, उसके बाद गुजरात पर आक्रमण किया और उसको जीत कर अपने साम्राज्य में लाया। लेकिन रजिया का विरोध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और 1240 के आसपास लगभग रजिया की हत्या कर दी गई। और रजिया की हत्या कर दी गई 1240 से और लगभग 1266 तक जो गुलाम वंश का, या जिसे दास वंश भी कहते हैं, वंश का शासन था, वो ऐसे ही एक के बाद एक ग्यासुद्दीन के हाथ में गया कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए एल्बर्ट के हाथ में गया, यानी अपन कह सकते हैं एक तरह से अराजकता सी फैल गई और दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ गई। तभी एक इल्तुतमिश के द्वारा खरीदी गई गुलाम, जिसने लगभग 1266 में दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया, उसका नाम था बलबन। बलबन ने सत्ता संभालती और लगभग 1266 से लेकर 1286 तक लगभग काम किया। कुछ इतिहासकार 85 बताते हैं, कुछ 86 बताते हैं। उसने दिल्ली सल्तनत जो कमजोर पड़ चुकी थी उसकी नींव को मजबूत करने के लिए जो 15-16 साल का था, 20 साल का जो
अराजकता फैली थी उस पर दिल्ली सल्तनत काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी और उस कमज़ोर स्थिति में बहुत से आसपास के राज्यों से अलग हो गए थे। तो बलबन ने सबसे पहले उन क्षेत्रों को जीता और अपने राज्य में रक्त और लोहे की नीति का अनुसरण किया। बच्चों, रक्त और लोहे की नीति का अर्थ है कठोर नियम बलबन ने लगा दिए। बलबन के बारे में कहा जाता है बहुत कठोर शासक था और दरबार में आने पर सर झुका के सुल्तान के कदम चूमना सजदा, जिसे मुगल भाषा में कहते हैं, ये प्रथा लागू कर दी और सख्ती से शासन किया और कमज़ोर जो दिल्ली सल्तनत थी उसको फिर उसने मजबूत कर दिया। और सबसे बड़ी बात है बच्चों, एक बार भारत पर चंगेज खां, उस समय सबसे खतरनाक शासक था चंगेज खां, उसका आक्रमण भारत पर होने का खतरा मंडराया था। बलबन ने बड़ी चालाकी से उस खतरे को टाल दिया, क्योंकि चंगेज खां का एक दुश्मन जब बलबन से शरण मांगने आया तो बलबन ने बड़ी चालाकी से उससे मिलने से मना कर दिया और शरण देने से मना कर दिया, जिससे वो व्यक्ति भारत से भाग गया और चंगेज खां भी उसके पीछे चला गया। इस तरह बलबन ने बिना युद्ध किए ही चंगेज खां के आक्रमण से भारत को बचा लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बलबन ने बड़ी कठोरता से दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत किया, शासन ने कठोरता स्थापित की और आसपास के क्षेत्र जो रजिया सुल्तान के बाद जो अराजकता फैली थी लगभग 20-22 वर्ष की, वो प्रदेश दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे, उन आसपास के क्षेत्रों को जैसे बिहार बंगाल उनको जीता और लगभग 1285-86 में उसके शासन का अंत हो गया। लेकिन इसी बीच गुलाम वंश कमज़ोर पड़ने लगा। दास वंश या जिसे कहते हैं गुलाम वंश भी कहते हैं, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा और तभी 1290-91 के आसपास जलालुद्दीन खिलजी ने इनके शासक यासुद्दीन की अंतिम जो शासक था गुलाम वंश का, उसकी हत्या कर दी और हिंदुस्तान पर जलालुद्दीन खिलजी ने भारत पर शासन किया। इस प्रकार दास वंश का अंत होकर हिंदुस्तान में एक नए वंश का आगाज हुआ, जिसे हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। बच्चों, दिल्ली सल्तनत में इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी जलालुद्दीन खिलजी ने, और जलालुद्दीन खिलजी का कोई बेटा नहीं था, तो उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था, वही शासन की बागडोर उसी के हाथ में थी, वो देख रेख करता था। और तभी कहते हैं 1296 ईस्वी में कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन से कर दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और तभी अचानक एक दिन धोखे से 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी वास्तव में एक योग्य व्यक्ति था,
महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसने उसके बारे में कहते हैं लगभग 1296 से लगभग 1320 एंड 22 तक उसने हिंदुस्तान पर शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी बात बच्चों ये है कि पहली बार किसी शासक ने, किसी राजा ने, जो व्यापारी गरीब जनता को लूट रहे थे, अर्थात कह सकते हैं व्यापारियों पर नियंत्रण के लिए उसने एक बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की लगभग 1299 के आसपास। यानी कह सकते हैं जो व्यापारी गरीब जनता को लूट रहे थे, गरीब जनता को परेशान कर रहे थे, ऐसे व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की और कहते हैं कि व्यापारियों पर उसे नियंत्रण किया। एक मुस्लिम कविता अमीर खुसरो, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था। अब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की सीमाओं से संतुष्ट रहने वाला नहीं था, वो दिल्ली सल्तनत की सीमा को आगे बढ़ाना चाहता था। बिहार बंगाल लगभग ये तो उसके हिस्से ही थे। अब उसने जो रुख किया वो राजस्थान की तरफ रुख किया। वो कहते हैं राजस्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने 3 आक्रमण किए। सबसे पहला आक्रमण किया था 1301 में। फिर क्या था 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण। बच्चों वाले किताब में नहीं है और राजस्थान में लास्ट आक्रमण किया था 1311 में जालौर पर। बच्चों आपको पता हो रणथंभौर पर आक्रमण जब उसने किया उस समय रणथंभौर के बाद जो शासक था वो राणा हम्बीर था। हम्बीर बहुत ही योग्य था। अब बच्चों आप ये सोचते होंगे कि कहाँ दिल्ली में बैठा अलाउद्दीन खिलजी और राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में रणथंभौर जो जगह में पहाड़ी पे किला बना हुआ है उससे क्या मतलब था। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी का एक दुश्मन, वो अलाउद्दीन खिलजी की शिकायत से छूट कर भागा और सीधे रणथंभौर चला गया। ये चौहानों की हम्बीर देव चौहान एक शाखा थी और हम्बीर के बारे में कहा जाता था कि एक बार जो उसको उसकी शरण में आ गया जान चली जाए लेकिन शरणार्थी को वो नहीं देता था। और जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला कि उसका दुश्मन रणथंभौर के शासक हम्बीर देव के पास है तो उसने सूचना भिजवाई लेकिन हम्बीर देव ने ये कह के उसने दूत को वापस भेज दिया कि हम्बीर देव की स्थल में आया हुआ कोई भी किसी को नहीं दिया जाएगा। तब कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर पहुंचा और रणथंभौर जब पहुंचा ऐसी स्थिति में लगभग 6 माह तक वो हम्बीर पर रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि उसे डर था
कि ऐसा ना हो कि हम्बीर से युद्ध हार जाए और दिल्ली सल्तनत की सत्ता चली जाए। लेकिन तभी रणमल और उसके कुछ लोग थे हम्बीर देव के, उन लोगों को उसने अपने पाले में मिला लिया और पाले में मिला लिया। 6 महीने बाद अचानक उन्होंने गेट किले के खोल दिए और हम्बीर की सेना ने आक्रमण जो अर्जुन खिलजी के द्वारा किया गया, रात को चोरे छुपके उसका बेखूबी सामना किया। अंत में हम्बीर देव चौहान युद्ध करते हुए मारे गए। अपन कह सकते हैं कि इस तरह से 1301 में उसने रणथंभौर विजय प्राप्त कर ली। अब बच्चों 1303 की चित्तौड़ विजय, बच्चों आपने फिल्म देखो, आज 2-3 साल पहले एक फिल्म आई थी पद्मावत, काफ़ी शोर शराबा हुआ था और उसके बारे में कहा जाता है कि वो राजपूतों के स्थान खिलाफ है, इतिहास से छेड़छाड़ की गई है। क्योंकि चित्तौड़ विजय का मूल आधार ज़्यादातर लोग बताते हैं कि महारतन सिंह की पत्नी पद्मावती थी, अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को चाहता था। तो उस समय पद्मावती बहुत सुंदर थी, लेकिन कुछ इतिहासकार इसके विपरीत भी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जैसा व्यक्ति वो पद्मावती की चाहत में चित्तौड़ पर आक्रमण कभी नहीं करेगा। चित्तौड़ पर आक्रमण करने का एक ही उद्देश्य था, अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी नीति। क्योंकि तो बच्चों हमने शुरू में ही पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहता था, वो इस शासन को आगे बढ़ाना चाहता था, साम्राज्य को आगे बढ़ाना चाहता था। इसी आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी नीति के कारण चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। और कुछ इतिहासकार रानी पद्मावती की घटना को इसका मूल आधार बताती है। मलिक मोहम्मद जैसी ने भी इस घटना के बारे में जिक्र किया है। 1303 में पहले अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह के साथ मित्रता का संदेश भेजा और बाद में कैद कर लिया। किसी कारण बस समझौते बस राणा रतन सिंह वापस भी आ गए, लेकिन उसकी लालसा चित्तौड़ पर आक्रमण करने की थी। और 1303 में चित्तौड़ पर उसने आक्रमण किया और चित्तौड़ पर आक्रमण करते हुए राजपूत जो सेना थी, राणा रतन सिंह की सेना थी, खूब लड़ी और अंत में वो लड़ते हुए मारे गए। राणा रतन सिंह की युद्ध करते हुए मारे गए। रानी पद्मावती के बारे में कहा जाता है जब अलाउद्दीन खिलजी उसके पास पहुंचने वाला था तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी सहेलियों के साथ जौहर कर लिया। वो चित्तौड़ किले में आज भी मौजूद है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की ये भी कामना विफल हो गई। हालांकि चित्तौड़ तो जीत गया। अब अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उसने देखा था 1311 में जालौर तीसरा आक्रमण था राजस्थान के ऊपर, बड़ा आक्रमण। जालौर पर आक्रमण किया। उस समय जालौर का शासक कानड़दीप था।
कर्णदेव के बारे में भी कहते हैं कि बहुत वीर योग्य पराक्रमी शासक था। उसने भी अलाउद्दीन खिलजी की आतिथ्यता स्वीकार नहीं की और अलाउद्दीन की सेना पहुंची चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए तो उसका पुत्र बीरमदेव और कर्णदेव युद्ध किया और 1311 में युद्ध करते हुए जालौर के दोनों पिता पुत्र युद्ध करते हुए मारे गए। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जालौर पर भी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ज़्यादा अपन ये राजस्थान पर आक्रमण किया, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पहले ही उसके कब्जे में थे, एक उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था, एक और उसकी मुख्य बात थी कि सैनिकों की ओर पहले कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी वो पहला व्यक्ति था जिसने सैनिकों के लिए वेतन की व्यवस्था की कि सैनिक युद्ध लड़ते उसके लिए उचित वेतन दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने व्यवस्था की कि घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की, ड्रिल सैनिकों के लिए अनिवार्य कर दी, सैनिकों के लिए अच्छा खाना, ये सारी व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने की जो पहले कभी किसी शासक ने सैनिकों के लिए सेना के लिए जो काम नहीं किए वो अलाउद्दीन खिलजी ने किए। तो बच्चों हमने आज खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की इसको उसने मजबूत किया और इसकी मृत्यु के बाद हिंदुस्तान में फिर एक बार अराजकता फैली और तभी हिंदुस्तान में 1325 ईस्वी में 1325 ईस्वी में जूना खां, उसका नाम था जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। तो बच्चों आगे हम अगले वीडियो में जो आपसे बात करेंगे वो जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक जिसने तुगलक वंश की नींव रखी उसके बारे में बताएंगे। आज इतना ही बच्चों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आगे और सभी हमारी जो अपन कह सकते हैं इसको इंटरेस्ट से पढ़िए क्योंकि सब आपकी पढ़ाई के लिए अग्रवाल स्कूल के चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर,